हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट। शर्मा कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने अलजेब्रा का टाइप 4 लेकर आया हूं। तो पिछली वीडियो आपको सभी समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं टाइप 4। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन दे रखा है और ये निकालना है आपको x की पावर 12 प्लस x की पावर 9, x की पावर 6, x की पावर 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इससे पहले थोड़ी सी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो क्या होता है, जैसे आपसे ये दे रखा है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो देखो, जैसे x का क्यूब प्लस 1 निकालना है आपको, ठीक है। तो जैसे ये निकालना है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एलसीएम ले लो बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ये इस साइड में आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वेयर और इससे 1 लिख सकते हो यहाँ पर, तो एक्स इंटू 1 यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब देखो ये क्या क्या हो गया हमारा 0। अब एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू 1, यही होता है। और ये वैल्यू आपको क्या दी है, 0। तो ये पूरी 0 हो जाएगी ना, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई कर लो क्या होती है, 0। तो एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, 0, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब मान लो ये दे देगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स दे देगा ये 0, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, और आपसे वैल्यू पूछ लेगा ये एक्स की 12 प्लस एक्स की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ से एक्स की पावर 9 कॉमन निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स की पावर 3 प्लस 1 बचेगा। और जब ये दे रखा हो तो एक्स की क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एक्स की पावर 9 ये क्या हो गया, 0। तो क्या होगा आंसर, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0। आपको जहाँ कहीं भी 3 का डिफरेंस दिखे, जैसे 12 और 9 में से कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो वही क्या हो जाएगी आपका, 0 हो जाएगा। जैसे x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1, ये है, ये निकालना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यही है। तो देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो ये कितना हो गया, 0। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो यहाँ क्या हो गया, 0। तो ये कितना बच गया, 1। तो 1 इसका क्या होगा आंसर। अब देखो निकालना कैसे है, जैसे x की पावर यहाँ से, इन दोनों में x की पावर 9 कॉमन, तो x की पावर 3 प्लस 1, ऐसे x की पावर 3 प्लस 1 बनाना हमें, और इसमें क्या x की पावर 3 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1, और प्लस का 1 अलग से है। तो x की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0, ये दो तो 0, तो प्लस का 1 बच गया, तो 1 क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। आई समझ में बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो सेकंड क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो फाइंड करना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बी सी सी ए बी, ठीक है, कुछ भी लिख दे दो, ऐसे ही उल्टा लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये निकालना। तो इसको क्या करेंगे हम, स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयर बोथ साइड, तो स्क्वेयर बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, 0। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस
सी स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिक्वल टू जीरो दे रखा है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, ये इस साइड में ले जाओ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो ये इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। अब देखो ये इसके ये मल्टीप्लाई में तो ये साइड में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिक्वल टू क्या होगा, माइनस टू क्या होगा इसका आंसर। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, जहाँ कहीं भी ए प्लस बी प्लस सी इजिक्वल टू जीरो दे रखा हो तो बस कुछ कुछ नहीं करना, आपको वन वन माइनस टू मानना है, ठीक है। वन वन माइनस टू, ए को वन बी को वन और सी को क्या माइनस टू, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अब देखो यहाँ पर करो इसको, अब ए ए कितना है, वन का स्क्वायर वन, बी कितना वन का स्क्वायर वन, और सी कितना है माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है चार, माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है चार। अब यहाँ पर ए बी यानी वन वन है, वन हो जाएगा वन इंटू वन प्लस यहाँ पर, अब देखो बी कितना है वन और सी कितना है माइनस का टू, अब देखो प्लस सी कितना है माइनस टू और ए कितना है वन, यही है। तो अब देखो अब क्या होगा, ये कितना होगा सिक्स और वन माइनस टू और ये क्या है माइनस का टू, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर और एक प्लस का तो माइनस थ्री आ जाएगा, तो सिक्स बाई माइनस थ्री, तीन दुनी छः, तो माइनस टू नहीं आ गया ये, तो आंसर इससे भी क्या आएगा माइनस टू। तो ये एक बार डिटेल बताती है, आगे से डिटेल नहीं बताऊंगा इसमें ऐसे क्वेश्चन में, तो आप वन वन माइनस टू से मान सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री नंबर क्वेश्चन, थ्री नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। अब पहले बताया था आपको फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी, हाँ ये दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ये क्या होता है जीरो होता है, ठीक है, ये क्या होता है जीरो होता है। तो अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, ए क्यू ये बी क्यू है ना, ये क्या दे रहा है प्लस माइनस का बी क्यू है ये, ठीक है, और प्लस माइनस का सी क्यू है ये, ठीक है, और माइनस थ्री इंटू ए माइनस का बी माइनस का सी, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आप करोगे ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे आप देखो, अगर ए क्यू माइनस है तो बाहर क्या होगा, माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, क्योंकि माइनस का था, और माइनस माइनस क्या होता प्लस, तो ये तो माइनस ही रह जाएगा थ्री ए बी सी, ये ऐसे लिख रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होगा भाई, कब होता है ये इजिक्वल टू जीरो, जब ए प्लस बी प्लस सी इजिक्वल टू क्या हो जीरो। अब ए तो है लेकिन बी क्या हमारा माइनस का बी, और सी क्या हमारा माइनस का सी, तो इजिक्वल टू क्या होगा जीरो। तो ए इजिक्वल टू क्या होगा, इस साइड में आएंगे तो बी प्लस सी, तो ये क्या होगी हमारी ए बी सी में रिलेशन, तो ए इजिक्वल टू बी प्लस सी क्या होगा फोर्थ आंसर, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन देखो, अब चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई माइनस जेड की क्यूब, जेड माइनस एक्स की क्यूब, एक्स माइनस वाई की क्यूब इजिक्वल टू क्या होगा। अब देखो इसमें तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो भी नहीं दिया, क्या दे रखा है y माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब और प्लस एक्स माइनस वाई की क्यूब, ये क्या मान लिया, मान लो ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ रहा है ये आपसे, तो अब देखो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ता हूँ, तो y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, तो देखो y से y, जेड से जेड, x से x, क्या हो गया जीरो आ गया ना। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया जीरो, जब ए क्यू ए जब a प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी क्या होता है
जीरो होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू, इस साइड में क्या आएगा, थ्री ए बी सी, तो ये हमारा जीरो होगा। तो अब बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, थ्री ए बी सी। तो थ्री ए कितना है, वाई माइनस जेड, बी कितना है, जेड माइनस एक्स, और सी कितना है, एक्स माइनस वाई। तो ये क्या होगा आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला थर्ड नंबर, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आंसर होगा। अब देखो जैसे ये सेम है, आपको करना ये, मैं नहीं बताऊंगा ये इसको, ठीक है, क्योंकि x माइनस ए, एक्स अपॉन ए का क्यूब, y अपॉन बी का क्यूब, z अपॉन सी का क्यूब, अगर इनको जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, a प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, बी क्यू, सी क्यू, थ्री एक्स वाई जेड। तो थ्री एक्स मतलब ये पूरा a मान लिया, तो x अपॉन थ्री एक्स वाई अपॉन ए बी सी, थ्री एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी, सी आंसर होगा, ठीक है। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, वन अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, तो निकालना आपको ए क्यू माइनस वाई क्यू, ये निकालना है। तो अब देखो वन अपॉन एक्स प्लस वाई, एलसीएम लो एक्स वाई, और ऊपर क्या एक्स प्लस वाई, ये आ गया, तो इन दोनों की तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये इस साइड में क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि दो में से एक गया, दो एक्स वाई में से एक एक्स वाई गया, कितना हो गया, जीरो। ये कब जीरो होता है, जब देखो ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये होता है। तो आप बताओ ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका, जीरो आंसर। अब देखो सात नंबर क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है। अब देखो सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है हमारा, तो सात नंबर क्वेश्चन में क्या करोगे, सारे का एलसीएम ले लो, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये एलसीएम आ गया। अब देखो अगर इससे ये करोगे, बी माइनस सी, सी माइनस ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ए माइनस बी, और ऊपर से क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक ये रहा, तो ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं हो गया। इसी तरह बी माइनस सी बच जाएगा, तो बी माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा, और इसी तरह c माइनस ए बच जाएगा, c माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये a क्यू बी क्यू सी क्यू, अब a प्लस बी प्लस सी करके देखो, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, और c माइनस ए, अरे a से a, b से b, c से c, कट गया, जीरो आ गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, थ्री ए बी सी, तो थ्री ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, थ्री ए बी सी। अपन नीचे क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस ए, तो इससे कट जाएगा, तो क्या आ गया आंसर, थ्री इसका क्या आ गया आंसर। एट नंबर क्वेश्चन देखो, ये देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, भाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड दे रखा है, और निकालना है x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस z का क्यूब, और क्या दे रखा है, प्लस थ्री एक्स वाई जेड, ये निकालना है। अब देखो x प्लस वाई इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इजिक्वल टू जीरो हो गया, भाई क्या है, x a प्लस बी प्लस माइनस का है z, ये क्या होगा, जीरो। तो ए क्यू यानी x की q प्लस ये जीरो दे रखा है, y की q और प्लस माइनस z की q, क्योंकि माइनस का है z, और माइनस थ्री एक्स वाई और माइनस का है क्या है, z। तो ये क्या होगा हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस थ्री एक्स वाई जेड, यानी ए क्यू बी क्यू माइनस थ्री ए बी सी क्या होगा, जीरो क्या होगा हमारा इसका आंसर। अब देखो अब क्या कह रहा है ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको निकालना है ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू जैसे पहले समझा था, ए बी एल सी एम, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इस साइड में जाए, ए बी इस साइड में, ये इस साइड में आ जाएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी इजिक्वल टू जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इजिक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिक्वल टू जीरो है। अब देखो एक्स, दस का क्वेश्चन देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिक्वल टू क्या है, जीरो। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई जेड, वाई स्क्वेयर एक्स जेड, जेड स्क्वेयर एक्स वाई, ये दे रखा है। तो इसका एलसीएम लोगे तो एक्स वाई जेड, अब देखो वाई जेड कट जाएगा तो एक्स एक्स बच जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर के साथ गुणा करोगे तो एक्स की क्यूब, इसी तरह वाई की क्यूब, इसी तरह जेड की क्यूब। जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, थ्री एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड से क्या आ गया आंसर, थ्री। थ्री क्या होगा इसका आंसर। ग्यारह का क्वेश्चन देखो, अब देखो ये आपको करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्री ए बी सी पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्री ए बी सी क्या होता है, जीरो। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, जीरो। इन ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा हमारा, तो जीरो आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस इन तीनों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा। अब देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री है भाई, एक्स प्लस ग्यारह का क्वेश्चन, एक्स प्लस वन क्या है, हाँ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री दे रखा है। निकालना आपको जैसे एक्स की पावर सिक्स प्लस वन, ये निकालना है। अब एक बात बताओ आप, मान लो पहले ये निकालना, मैं समझा देता हूँ बाद में क्वेश्चन समझाऊँगा। जब कहीं भी ये दे रखा हो तो स्क्वेयर बोथ साइड, तो स्क्वेयर बोथ साइड करोगे तो एक्स का स्क्वेयर प्लस वन अपॉन में वाई एक्स का स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, और इजिक्वल टू थ्री, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस साइड में आएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इजिक्वल टू वन। अब इसका एलसीएम लो, वो ले एलसीएम लो, तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस का वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर इजिक्वल टू वन, ये इस साइड में आएगा, तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस वन, ये इस साइड में जाएगा और फिर इस साइड में आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वेयर इजिक्वल टू जीरो। अब इसको स्क्वेयर कर लो और इसको क्या कर लो, वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी हो गया। तो अब बताओ ये क्या, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस वन का क्यूब लिख सकते हो इसको, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर यानी प्लस वन का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये होता, और ये क्या दे रखा है हमारा, जीरो दे रखा है, तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस वन का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ये क्या होगा, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जैसे एक्स की क्यूब प्लस वन की वैल्यू जीरो आई थी, ऐसे ही एक्स की सिक्स की वैल्यू जीरो आओगी, ठीक है। एक्स की पावर सिक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अब ऐसे जहाँ भी आपको सिक्स का अंतर दिखे, सिक्स का डिफरेंस दिखे, वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, उसी पिछले सवाल की तरह, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है ग्यारह का, एक बार बता देता हूँ आपको, ग्यारह नंबर क्वेश्चन ऐसे ही तो है, बारह नंबर था ये, ठीक है। बारह नंबर क्वेश्चन देखो, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री है, तो ये पूछ रहा है आपसे एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एक बात दो, 18 और 12 में कितने अंतर है, 6 का अंतर है, तो जीरो, और ये है होता ही जीरो है, तो जीरो आंसर होगा। चाहे आप ऐसे करो, एक्स की पावर 12 कॉमन, तो यहाँ कितना बचाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1, और ये क्या है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 है ही,
तो ये क्या होता है, जीरो, ये भी जीरो, तो पूरा क्या होगा हमारा, जीरो इसका आंसर होगा। ठीक है, जीरो क्या होगा इसका आंसर। अब देखो ये है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए की वैल्यू दे रखी है 25, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 10 दे रखी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC और अपॉन में दे रखा है इसको ए माइनस बी का होल, ए माइनस सॉरी माइनस है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, एक ध्यान रखना आपको, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी 1 अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऊपर तो ये है लेकिन नीचे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या क्या दे रखा है आपको, ए ए 25 दे रखा है, 25, बी कितना दे रखा है 15 और ये कितना दे रखा है 10, 25 15 10 बाई 2, 25 15 40 और 40 और 10 50, 50 बटा 2 कितना होगा 25, इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, 25 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन आ गया, अब ए प्लस 1/a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है और ए क्यू का मान निकालना है। अब देखो ये क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए, और ये साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये कब 0 होता है, जब ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो 0, तो ए क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस का 1। ठीक है, चाहे आप इससे क्या करना है, ये डायरेक्ट आपको अगर नहीं बताओ तो अगर फॉर्मूला, तो इसको देखो दोनों तरफ क्या करो, ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 0, तो ए क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ए क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, ए माइनस बी क्या दे रखा है 3, बी माइनस सी दे रखा है 5 और सी माइनस ए दे रखा है 4। अब देखो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले भाई, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी से नीचे ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, तो ऊपर तो यही बच गया 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का, पीछे क्वेश्चन कराया था यही तो बच गया, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी क्या दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब बी कितना, बी माइनस सी कितना दे रहा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और सी माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होता है 1, वो तो 1 ही है, 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 कितना होता है 34, 34 और 1 35, 35/2 कितना हो गया आंसर 17.5, तो 17.5 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा भाई, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पिछली वीडियो जिसने अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये आज वाला लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो कृपया करके पिछली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में हर बार आते हैं, सीजल वाले में तो हर बार आते हैं। ठीक है,
और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत टाइम निकाल के मतलब वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि जॉब भी करनी पड़ती है भाई, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूँ भी मैं, और बहुत टाइम निकाल के मतलब वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।